फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वैन लाइफ इंडियन कपल। अब बजे हैं 6:10 और हम निकल गए हैं सासन गिर की तरफ जंगल सफारी के लिए। जूनागढ़ से सासन गिर का डिस्टेंस तकरीबन 53 किलोमीटर है और रास्ता बहुत ही सीनिक है। जूनागढ़ शहर गिरनार पहाड़ियों के निचले हिस्से पर स्थित है। गुजराती भाषा में जूनागढ़ का मतलब है प्राचीन किला। यह दो भागों में बटा हुआ है। एक है मुख्य शहर, जिसके चारों ओर दीवारों से किलेबंदी की गई है, और दूसरा पश्चिम में है, जिसे अपर कोट कहा जाता है। यहाँ समय समय पर हिंदू, बौद्ध, जैन और मुस्लिम धर्मों का प्रभाव रहा है। इस बार हमने जानकर जूनागढ़ में घूमने को स्किप कर दिया, क्योंकि कहा जाता है कि जूनागढ़ की असली सुंदरता मानसून के टाइम में निखर कर आती है। सासन गिर जूनागढ़ के नवाब का पर्सनल शिकार का एरिया था, जिसकी वजह से 19वीं शताब्दी के अंत तक केवल कुछ ही एशियाटिक लायन वहां बचे थे। यह देखकर 1965 में गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना हुई, जिसकी वजह से यह दुर्लभ एशियाटिक लायंस विलुप्त होने से बच गए। फ्रेंड्स, यह रास्ता जा रहा है देवलिया पार्क की तरफ, जहां देवलिया जिप्सी और बस सफारी होती है, और हमको जाना है इस तरफ सासन गिर के लिए। गिर नेशनल पार्क की सारी बुकिंग्स ऑनलाइन होती है, जिसकी गवर्नमेंट साइट है girlion.gujarat.gov.in। इस साइट से 5 अलग अलग जंगल सफारी की बुकिंग होती है, जो है गिर जंगल सफारी, देवलिया पार्क जिप्सी सफारी, देवलिया पार्क बस सफारी, अंबारी सफारी और गिरनार नेचर सफारी। यह नेशनल पार्क साल में 2 बार टूरिस्ट के लिए खुलता है, समर्स में 1 मार्च से 15 जून तक और विंटर्स में 16 अक्टूबर से 28-29 फरवरी तक, और मॉनसून में 16 जुलाई से 15 अक्टूबर तक यह पूरा बंद रहता है। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं सासन गिर एंड ये है हमारी पार्किंग। हमारी व्हीकल यहाँ पार्क हो गई है। ये उसको सामने काउंटर नजर आ रहा है। इस सफारी को करने के 3 टाइम स्लॉट्स हैं। पहला है 6 से 9 बजे तक, दूसरा है 8:30 से 11:30 बजे तक, और तीसरा है 4 से 7 बजे तक। इस सफारी के लिए ई परमिट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसका कॉस्ट है ₹800, जो 1 से 6 लोगों के लिए है। इसके अलावा ₹400 गाइड के और ₹2000 जिप्सी चार्जेस हैं। यह पूरा जंगल प्लास्टिक फ्री जोन है, इसीलिए वाटर बॉटल्स अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टील की वाटर बॉटल्स साथ ले जाने के लिए मिलती है, जिसका रेंट है ₹10। नाउ वी आर रेडी फॉर जंगल सफारी। ये चलेंगे भैया? हाँ, सॉरी, हाँ यही है गाड़ी। ये वाली है गाड़ी? आप गाइड? हाँ, मैं गाइड हूँ, मेरा नाम पीयूष है। पीयूष, ये चलेंगे। चले भाई। हाँ बिल्कुल। इस जंगल में 600 से ज्यादा जंगली जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियाँ, 40 से ज़्यादा मैमल्स की प्रजातियाँ, 47 से ज़्यादा रेप्टाइल्स की प्रजातियाँ और 300 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये कौन सा रूट नंबर है? ओके गाइस, वी आर मूविंग ऑन रूट नंबर 4। ऐसे कितने रूट हैं टोटल भाई इसमें? अलग-अलग 13 रूट। इस पूरे गिर में टोटल 13 रूट। आपकी लॉटरी लगती है कि आप किस रूट में जाते हैं। चार नंबर 470 केमेरो छे।
आईडी छे कंप्लीट नहीं। ये तो पूरा दुल्हन बन के बैठ गई। यहाँ से टोटल 6 रूट का एंट्री है। हमारा एग्जिट दूसरे रूट से है, दूसरे गेट से रहेगा। गाइस अभी 10 टूरिस्ट ने हमें बताया कि वी स्पॉटेड द लायर। आई कैन सी बैठ के लाइन कुछ खा रहा है। यू कैन सी द लायन बट आप शायद नहीं देख पाएंगे बिकॉज बहुत दूर है। वो मेरी जो फिंगर है बिल्कुल मेरी फिंगर के डिस लेवल में वो लायन है। इट्स अ बिग लायन। कैमोफ्लेज है। कैमोफ्लेज रखा है। आज तो हमारा लक बहुत अच्छा था कि जाते ही हमें लायन दिख गया। हालांकि वह काफ़ी दूर था और जूम लेंस की वजह से हम उसको ढंग से देख पा रहे थे, पर लायन को अपने नेचुरल हैबिटेट में देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम थोड़ा आगे ही निकले थे कि तभी अचानक एक और लायन हमको जंगल के अंदर जाता हुआ दिखा। क्या है? आगे जाते ही हमको दिखा स्पॉटेड डियर्स का एक झुंड। इनको चीतल डियर भी बोला जाता है और यह भारत की प्रजाति है। इनके जो हॉर्न्स हैं वो हर साल गिरेंगे और हर साल नए आते हैं। अरे खाए आदमी खुद अपने और खुद खाते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक को नहीं है। आपको ये ज्यादा मिलेंगे स्पॉटेड डियर। डरते नहीं है। तो है ना, रोज देखता हूँ। हाँ, मतलब बिल्कुल डर गए थे, देख रहे हैं सामने से। तो आज हमको स्पॉटेड डियर्स के बारे में एक रोचक जानकारी मिली कि केवल मेल डियर्स के सिर में एंटलर्स होते हैं और ये सींग ना होके ब्रांच्ड बोन्स होती हैं, जिसे ये हर साल सर्दियों के मौसम में शेड कर देते हैं और अपने शरीर के न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए यह इन एंटलर्स को खा लेते हैं। ये 9 नंबर आगे से अलग हो जाएगा, 12 नंबर आगे से अलग हो जाएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, जंगल में जानवरों की आवाजों का भी एक पैटर्न होता है, जिसमें एक है वार्निंग अलार्म, जो कि बंदर या लंगूर देते हैं जब भी कोई प्रेडेटर शिकार के लिए बाहर आता है। कितना शांति है जंगल। रोक ले। वाइल्ड लाइफ में यही इम्पोर्टेंट। अच्छा लग रहा है देखते। जंगल के साउंड ना सुनने मजा आ रहा। जंगल के साउंड अच्छे लग रहे हैं। जितना साइलेंट रहोगे उतना आपको मजा आएगा। तो दो किसके ऊपर पत्ते लगे हुए। चल फिर। एक मिनट, एक और भी ले। बाय बाय। गुजरात टूरिज्म ने इस 3 घंटे की सफारी को सुविधाजनक बनाने के लिए
मिडवे में रेस्ट रूम्स भी बना रखे हैं। मंकी बिजनेस, इट्स कॉल्ड मंकी बिजनेस। बच्ची के रहते हैं। हमारे बच्चे रहते हैं ना घर में, कैसे लग रहे हैं? ठीक है, ये बोलो बोलो। ठीक है, मंकी बिजनेस। जंगल के बीचों बीच आया एक बहुत बड़ा रिजर्वायर जो कि है कमलेश्वर डैम, जिसको हिरनी डैम भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये है कमलेश्वर डैम पूरा 42 फीट है, उसके अंदर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं। इतना बड़ा एक्सटेंड है, 42 फीट डीप है एंड फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। चलिए, ये है पूरा गिर फॉरेस्ट। यहाँ कुछ आपको गांव भी नजर आ रहे होंगे। बाइक से भी कोई जा रहा है। और ये आगे वो सेम डैम। व्हाट अ व्यू। अगर बचपन की आपको पेंटिंग याद होगी तो नीचे पानी, फिर पहाड़, पहाड़ की और काफी रिज लाइन, ऊपर सूरज, नीला आकाश और ऊपर सूरज। ऑब्जर्वेशन टावर से गिर फॉरेस्ट को और इतने सुंदर रिजर्वायर को देखकर दिल खुश हो गया और मन तो कर रहा था कि अपनी कैरवैन को लेकर हम यहीं पर कैंपिंग करें, पर इस बार यह पॉसिबल नहीं है। कोशिश करेंगे कि अगली बार इस डैम के आसपास कहीं कैंपिंग कर सकें। यह 3 घंटे की सफारी इतनी एक्साइटिंग थी कि टाइम का पता ही नहीं चला। तो हम अभी गिर सफारी करके आ गए हैं, बहुत थक गए हैं सफारी करके, भूख लग रही है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो गिर फॉरेस्ट सफारी थी वो ख़त्म हो गई है एंड नाउ माय जर्नी विद द वैन लाइफ इंडियन कपल ट्रैवलॉग मीट्स ट्रैवलॉग ये यहीं पे ख़त्म हो रही है, बट हम आगे फिर मिलेंगे, है ना? इट वाज अमेजिंग और नाउ अमेजिंग टू मीट रुचि मैम एंड दीपक सर एंड यू गाइस। कीप रोलिंग वाइब्रेंट गुजरात। थैंक यू सो मच प्रीता, थैंक यू। टाइम टू से गुड बाय। आशा है कि आपको यह जंगल सफारी पसंद आई हो और हम यह भी रिकमेंड करेंगे कि लाइफ में एक बार आप एशियाटिक लायंस को उसके अपने नेचुरल हैबिटेट में देखने का अनुभव जरूर लें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और FB में भी हमको फॉलो करें। जल्द ही मिलेंगे आगे की जर्नी के साथ। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।